काय काय होईल ना प्रॉब्लेम येईल लागणार मला काय प्रॉब्लेम येईल लागणार नंबर अरे अळू अळू रे नमस्ते गाइस कैसे हो आप सब लोग उम्मीद करता हूँ आप सब भी भाई लोग सब मजे में होंगे तो साकरी वाले भाई लोग जरा पहचानो मैं कहाँ भरू बात कुछ ऐसी है अपने जो पिंपल नेर के जो भाव बंद है ना उन्होंने हमें बोला है कि भाई तू आ जा पिंपल नेर को अभी फिलहाल तो मैं साकरी में हूँ तो फिर आई एम ऑन दी वे टू पिंपल नेर गाड़ियाँ देख रहा ट्रक वगैरह में तो ट्रक किधर है रे बाबा ट्रक वगैरह में जा सकता भाई देखते हैं आगे जाके क्या होता है बस आपको क्या करना है जुड़े रहना है किधर भी नहीं कुछ दिनों से ना हमारे महाराष्ट्र का मौसम कुछ ऐसे बिगड़ा हुआ है मतलब कभी भी बारिश पड़ जाती है अभी साकरी का मौसम फिलहाल तो ठीक है अच्छा है कुछ दिक्कत नहीं बारिश नहीं हो रही ठंडी बज रही है सुबह सुबह की और बस हम जा रहे भाई हम पहुंच चुके हैं अभी सामोड़ा में अभी यहाँ से नजदीक 4 से 5 किलोमीटर होगा ना पिंपल नेर तो फिर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पिंपल नेर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा पिंपल नेर इज अ सिटी ऑफ लव अपने को दिल के दोस्त मिलते दिल के यार मिलते वहाँ पर सब भाईचारे से रहते पिंपल नेर इज मेनली फेमस फॉर नाम सप्ताह जहाँ वहाँ पर सोंग वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा वहाँ पर मानव केंद्र है लाठीपाड़ा धरन है और बाकी की चीज़ें मैं इस ब्लॉग में आगे भी बताऊँ मैं पिंपल नेर में 3 साल रहा हूँ मैं कक्षा 7वीं से लेकर 10वीं तक पिंपल नेर मतलब यानी कि 3 साल में पिंपल में रहा बहुत से अच्छे यार मिले और वही यार अभी आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे देखो पिंपल नेर और सिनेमैटिक में ये थी भाई साहब हमारी गाड़ी अभी इससे हम आए थे पल नियर को अभी जाएंगे अपने देवेंद्र भट्टू जी हमारे को लेने के लिए आ रहे खतरनाक ना वो गाड़ी क्यों घेतली तूने भाई हम जा रहे अभी हमारे ततर भाई के घर लो जी भाई अपन पहुंच चुके हैं अभी गांधी चौक मित्र मंडल हमारे गांधी चौक की कहानी अलग है तो भाई गांधी जी से बदल का करंटली आई एम इन गोलियामार देवेंद्र भाऊ दका आपना यार अळू रे असं काय करतोय तू आपण गोड्या मारवरती का अरे अभी कुणाल बांबरे की घर पे जा रे कुणाल बांबरे हमारा फोन नहीं उठा रहा कोई भी फोन नहीं उठा रहा सब डर गए अभी क्या किया जाए इस फालतू लड़के को कैसे टाइम दिया जाए तो भाई यही फायदा है अचानक से यहाँ पर आने का हमारे पुष्पक भाऊ भेटले इतक्या दिवसानंतर भाऊ तात्या आमची अशी कुठे कुठे ओळख निघते तो भाई साहब दिस वॉज माय स्कूल जहाँ पर मैंने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी अभी इतने 5-6 साल बाद यहाँ पर आ रहा बहुत अजीब सा ही लग रहा ये आपके अंदर साइड में हम क्या है भाई पटाखे भी फोड़ रहे यहाँ पर तो फिर यही पर हम आते थे चिड़िया खाते थे अंदर जाते थे वहां पर अंदर सब पटांगन पर बैठते थे बड़ी अच्छी अच्छी मेमोरीज है हमारी यहाँ पर ये आप प्लान को जाए
ऐसा था कि हम जाएंगे शबरीधाम मांगी दूंगी, बट ये मौसम का हाल देखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम जा रहे हैं। किधर जा रहे बाबा? लाडीवाड़ा। में आप यहाँ पर आ रहे होंगे तो फिर बताना चाहूँगा कि यहाँ से आप मांगी दूंगी जा सकते, महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है, और आप शबरीधाम भी जा सकते। डेढ़ घंटा शबरीधाम जाने के लिए लगता, और नज़दीकी जाना चाहते तो फिर अपने लाठीपाड़ा धर्म पर चले आइए, जो कि मैं अभी तुमको दिखाने वाला हूँ। क्या हुआ आपने ज़्यादा बारिश ने हमें दे दिया धोखा, और उसी के कारण हम अभी बैठे हैं होटल में समझुदा को। और अपने बाकी के दोस्त भी आ रहे हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। बाकी कुछ नहीं, अभी जाते जाते बात करेंगे आपसे। नहीं, अभी कुछ मंगाया है हमने, पावड़ा। पावड़ा की यादें बहुत। क्या यार, कितना रुपये ना पावड़ा बटी रहना होता आपने? 5 रुपये लेना आते बेटा उसका। दादू इकडे बाय। जाऊ दे मिठाडा दे, एवढं नाही करा आता। सेटिंग चालू आहे भाई। आय एम हियर इन आरएच हॉस्पिटल पिंपलनेर, रुरल हॉस्पिटल पिंपलनेर। तो दिस वॉज द प्लेस वेअर वी आर प्लेइंग द क्रिकेट, और बहुत सारी मेमरीज है यार इस जगह की। और बहुत सारी मेमरी मेरी यहाँ पर रह चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मैं रहता था। मेमरीज तो होंगी ना भैया। दादा एवढा सपोर्ट दिल्याबद्दल मनापासून आभारी आहे। अब हम भेटत रहो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बिजी हो गया देखो अभी ये। चलो जल्दी अपन, हम अभी हम निकल रहे हैं साकरी के लिए। तो ये हमारे विदाई का समय अभी चल रहा था, और हमें अभी कौन मिल गए, हमारे गौरव भाव, जो कि हमारे कट्टर दोस्त यार थे। और अभी हम निकल रहे हैं साकरी के लिए, बराबर ना दादा? देखो ये यशवंत दादा हमें छोड़ने के लिए आए, और ये कुछ पंडर लोग अभी इधर बिजी हो गए। अभी मेरे को बोले कि बंद कर रहे, बंद करना रे, बोलना रे, बोलना। तो लो जी भाई साहब, अभी हम साकरी में पहुंचे नहीं, यहाँ पर तो जोर की बारिश चालू है। अभी मुझे यहाँ से अपने घर जाने का है, आज ही से मिलना है, सामान वगैरह पैक करना है, धुलिया जाना है, धुलिया से लगेज पुणे जाना है, और बस मामला थोड़ा बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा। अभी जो होना था वो हो ही गया, पूरा भीग गया हूँ मैं। वे आई गेस ये ब्लॉग यहीं पर मैं समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं रखने का है मुझे, और बाकी कुछ बचा भी नहीं। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा दुलिया के लिए, दुलिया से जाऊँगा मैं अपने अपने पुणे के लिए, वहाँ पर जाके एडिट करके डाल दूँगा। तो फिर थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो फिर वही लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।